एलिशा भविष्यद्वक्ता दाऊद और सुलेमान के बाद यीशु से लगभग 800 वर्ष पहले इसराइल में एक भविष्यद्वक्ता था। यह अविश्वसनीय चमत्कार एलिशा की मृत्यु के एक या दो साल बाद हुआ। प्रभु के दास एलिशा बीमार हो गया था और उस बीमारी के कारण एलिशा की मौत भी हुई। जिस तरह एलिया को स्वर्ग में ले जाया गया था वैसे एलिशा के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि एलिशा के लिए यह परमेश्वर की योजना या इच्छा नहीं थी। अन्य भक्तों की तरह एलिशा बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया और फिर मर गया। फिर उन्होंने उसे दफना दिया। एलिशा के दफनाए जाने के कुछ सालों बाद एक अजीब बात हुई। जब कुछ इसराइली एक व्यक्ति को दफना रहे थे, हमलावरों का एक समूह उन पर आ गया। उन्होंने फुर्ती से उस व्यक्ति को एलिशा की कब्र में डाल दिया। तब एक अलौकिक चमत्कार वहां पर हुई। जब वह आदमी एलिशा की हड्डियों को छू गया तो वह जीवित हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह घटना बाइबल में दूसरी राजा 13 अध्याय में पढ़ने को मिलता है। यह बाइबल के असामान्य चमत्कारों में से एक है। यह चमत्कार कैसे या क्यों हुआ इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और यह स्पष्ट बताती है कि एलिशा की हड्डियों में किसी और का जीवित करने के लिए कोई जादू नहीं था। अगर वहां होता तो अपने मृत प्रियजनों को एलिशा की कब्र पर लाने के लिए लोगों की एक लंबी कतार होती। इसके बजाय इस महान भविष्यद्वक्ता की स्मृति में सम्मान लाने के लिए यह एक अनूठा एक बार का चमत्कार परमेश्वर ने होने दिया था। एलिशा के जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसका उपयोग करना जारी रखा। लेकिन प्रियो, इस चमत्कार के बहाने से कभी भी मृतक के अवशेषों की पूजा या कोई अंधविश्वास बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी इससे प्रेरित होकर संतों की हड्डियां या टुकड़े की भी पूजा होने लगते हैं, या मृतकों के कब्रों पे भी ऐसा कोई चमत्कार घटने की उम्मीद लगाते हैं। प्रियो, एलिशा की कब्र में उस चमत्कार होने के बाद भी हम यह नहीं पढ़ते हैं कि एलिशा की हड्डियों को कब्र से बाहर ले जाया गया था या उन हड्डियों को एक ऊंचे स्थान पर रखा गया। ना लोग उसे छुआ, ना चूमा, ना उन्हें मोमबत्तियों से सम्मानित किया गया, ना रेशम से सजाया गया था, ना एक विशेष पद के लिए निर्धारित किया गया था, ना तो उन हड्डियों के लिए कोई तीर्थ स्थान स्थापित की गई थी ताकि वहां परमेश्वर की कृपा और शक्ति की मांग की जा सके। प्रियो, यह घटना हमें यह सीख देती है कि परमेश्वर एलिशा का उपयोग तब भी कर सकता था जब एलिशा सबसे कमजोर अवस्था में था। परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं। जिस अलौकिक शक्ति ने मनुष्य को जीवित किया वह परमेश्वर की थी, एलिशा की नहीं। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को वहां रखा है जहां हमें दूसरों के लिए एक आशीष के रूप में उपयोग किया जाना है।